जल पर्यटन क्षेत्र में मिनी गोवा के नाम से देश भर में प्रसिद्ध हनुवंतिया 2 महीने तक पर्यटकों से गुलजार रहेगा। आज पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर महोत्सव का शुभारंभ करेंगी। ये जल महोत्सव का 7वां संस्करण है, जिसमें वाटर बेस्ड एडवेंचर और साहसिक गतिविधियां देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के बड़े आयोजनों में से एक हनुवंतिया जल महोत्सव है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो पर्यटकों के उत्साह और आनंद को बढ़ाने के लिए इस बार पानी में फ्लाइंग इन्फ्लेटेबल बोट एक्टिविटी की जा रही है, साथ ही कॉरपोरेट समूह के लिए खास सुविधाएं और सांस्कृतिक गतिविधियां भी रखी गई हैं। हनुवंतिया टापू में टेंट सिटी का संचालन किया जा रहा है और इसमें 103 टेंट सिटी भी तैयार की गई है। हनुवंतिया का बहुत नाम सुना था कि एमपी टूरिज्म ने एक बहुत ही अच्छा वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप किया है, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा आनंद लिया जा सकता है, और जैसा सुना था यहाँ आने के बाद बिल्कुल वैसा ही अनुभव हो रहा है कि यहाँ वाटर स्पोर्ट्स जिस लेवल के हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मुझे लगता है एमपी टूरिज्म का बहुत अच्छा यहाँ पे डेवलपमेंट किया है, जो वाटर स्पोर्ट्स, एयर स्पोर्ट्स और बाकी जो एक्टिविटीज है बहुत अच्छी है। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया यहाँ के, काफी आनंद ले रहे हैं। इस बार पानी का लेवल भी काफी ज्यादा है एंड हमारी पूरी तैयारियां जल महोत्सव के लिए, तो काफी पर्यटन आते हैं, काफी इंजॉय करके लाइफ बॉय रेडी रहते हैं। लाइफ जैकेट में हम भेजते हैं उनको, बिना लाइफ जैकेट के किसी को जटी पर प्रवेश नहीं करने देते हैं। एंड हमारा स्टैंड बाई बोट, रेस्क्यू बोट अवेलेबल रहता है एंड सारे बंदे अलर्ट रहते हैं कि कोई बंदे का कोई हादसा न हो जाए।